गाइज वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एमर्स। दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 23 मार्च के करंट अफेयर्स। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे हमारे करंट अफेयर्स को एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ में। बच्चों, अगर आप फेलियर को टेंशन नहीं देंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। फेलियर को टेंशन देने का ये मतलब नहीं है कि आप फेल हो गए हैं और आपने उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। नहीं, फेल होना कोई अच्छी बात नहीं है, वी ऑल नो, पर फेल होना कोई ख़राब बात भी नहीं है, वी ऑल हैव टू नो दिस ऑल्सो। ऑल राइट, तो फेलियर को अटेंशन देने का आप इसको एक फॉर्म में ले सकते हैं कि जब तक आप किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जब तक आप किसी भी चीज़ पे कोई भी स्टेप आगे नहीं लेंगे, तब तक आप उस फील्ड पे उस जर्नी को कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी स्कूल में हैं, आप कुछ भी है, अगर आप फेल हो रहे हैं तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं। हाँ, लेकिन आपको उस फेलियर को इम्पोर्टेंस इतनी देनी है कि आप वहाँ से यहाँ तक का रास्ता, यानी कि फेल से सक्सेस तक का रास्ता पूरा कर सकें। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन पूछता है कि विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो बच्चों, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, विश्व जल दिवस प्रत्येक साल 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में पीने के पानी की आपूर्ति करना तथा उसके महत्व को समझाना है। हो सकता है इसमें आपको अगर मुख्य उद्देश्य पूछे तो आपसे क्वेश्चन में ऑप्शंस में ये दे सकता है कि जल दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पानी की उसकी महत्वपूर्णता को समझना, या फिर पीने के पानी की आपूर्ति को पूरा करना, या फिर पानी को बचा के रखना। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि पीने के पानी की पूर्ति करना तथा उसके महत्व को समझाने का इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें कि दुनिया को पानी की ज़रूरत को समझाने के उद्देश्य से ही विश्व जल दिवस मनाने की प्रथा शुरू की गई है। विश्व जल दिवस प्रत्येक साल एक थीम के साथ मनाया जाता है। हम कोई भी डे मना रहे हैं तो उसका थीम होता है, तो इसका जो थीम है वो है भूजल अदृश्य दृश्यमान बनाना, या कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, जो कि ग्राउंड वाटर है, या कि जो कि हम लोग समर सेविल वगैरह लगाते हैं तो देखते हैं कि ज़मीन के अंदर पानी है, तो उस इनविजिबल पानी को विजिबल बनाना। ठीक है, ये आप देख रहे हैं वर्ल्ड, ये भी पानी के अंदर पृथ्वी है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर है जिससे आपको इसकी थीम समझाई जा रही है। आगे बढ़ेंगे, एस्ले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में किस खेल से संन्यास लेने को पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये आपको बता दें, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, टेनिस के खिलाड़ी हैं, 25 वर्ष के हैं, और इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही, जिस उम्र में लोग अपना करियर शुरू करते हैं, इस उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया है। टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंकाया है। बार्टी लगातार 114 हफ्तों से WTA रैंकिंग में नंबर एक खिलाड़ी रही हैं। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये हैं। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के किस चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया COVID-19 प्रतिक्रिया समयवक नियुक्त किया गया है। तो बच्चों, ये नियुक्त किया गया है अमी आशीष झा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। अगर हम लोग जानेंगे इसके बारे में, तो अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के चिकित्सक आशीष झा को व्हाइट हाउस का नया कोविड प्रतिक्रिया समयवक नियुक्त किया गया है। वे जेफ जिन्स की जगह लेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन में जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता जो आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो उसको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं करते। ठीक है, बाकी आपके लिए लिख के आता है, आपको PDF में प्रोवाइड होता है। आप लोग PDF लेने में अगर इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक से हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए। PDF जो है वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, अभी UPPCS के फॉर्म्स आ गए हैं, 12 तारीख लास्ट डेट है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं, तो या फिर आप जस्ट अपनी बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप हर समय 24 घंटे एक्टिव रहने के लिए करंट अफेयर्स देखते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके लिए इतने करंट अफेयर्स जो हैं या इतना जो नॉलेज है वो सफिशियंट रहता है विद एक्सप्लेनेशन अगर आपको मिल रहा है। ठीक है, बाकी न्यूज़ तो बहुत सारी रहती है पर उसमें से हम छोटी छोटी न्यूज़ छाट छाट के लाया करते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस, याद से ध्यान से सुनिएगा, पेपरलेस, किस राज्य की विधानसभा ने पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर दिया है। देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है। तो बच्चों, आपको बताएंगे कि नागालैंड राज्य की जो विधानसभा है उसने पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन
कार्यक्रम को लागू कर देश की पहली विधानसभा बन गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो एकदम सही है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है विधानसभा पेपरलेस कार्य प्रणाली हेतु कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि नागालैंड है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 22 मार्च 2022 को बिहार द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो एकदम सही है। ठीक है, बिहार की जो स्थापना है वो 22 मार्च को हुई थी और 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो यानी कि 1912 में, इसी दिन 1912 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बिहार को बंगाल से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। प्राचीन भारत में बिहार को एक शक्ति केंद्र, शिक्षण स्थल एवं संस्कृति के केंद्र के रूप में माना जाता है। और आप लोगों को गौतम बुद्ध जी के बारे में पता होगा, ठीक है, उनका भी बिहार से काफ़ी बड़ा एक ताल्लुक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो क्या है। भारत का पहला साम्राज्य जिसे मौर्य साम्राज्य कहा जाता है उसका उदय मगध में हुआ था। ठीक है, मगध के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक पढ़ रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए। आपको कोई भी टॉपिक है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, अन्य कोई टॉपिक है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका जो भी टॉपिक है उस पर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी कि मौसम विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अच्छा, अगर आपको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे पूछ दिया जाए तो हो सकता है आप लोग ना समझ पाएं कि ये क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेट्रोलॉजिकल जो है वो मौसम विज्ञान है। ठीक है, तो ये 23 मार्च यानी कि आज ही के दिन, ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों हमारा वो एकदम सही है। मेट्रोलॉजिकल डे पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसको मौसम विभाग कहते हैं। ठीक है, हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। इसी के साथ अगर हम जानेंगे कि इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो फिर बच्चों इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मौसम विज्ञान तथा इसमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाना। जैसे कि आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा होगा, आजकल धूप में निकलना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो इसके अगर हमको इसको ठीक करना है, वी हैव टू इम्प्रूव इट, तो हमें करना क्या पड़ेगा? ऑफकोर्स प्लांटेशन। ठीक है, हम लोगों को ट्रीज लगाने हैं, ट्रीज को सेव करना है, उनको डिफॉरेस्टेशन नहीं करने देना है। जब इस तरीके से हमने लोग अपने एनवायरनमेंट को सेव करेंगे तब जा कर के जो वेदर है, जो पूरा का पूरा हम लोग बोलेंगे कि एनवायरनमेंट है, उसको भी थोड़ा सा चेंजमेंट आना शुरू होगा। लेकिन अभी इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिन प्रतिदिन ख़राब ही हो रहा है। इस पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं जिसमें पहले से लिखा हुआ है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वी हैव टू टेक सम एक्शन। मौसम विश्व मौसम विज्ञान संगठन एवं मौसम विज्ञान संगठन जिससे 11 अक्टूबर 1947 को संधि हुई थी, इसके बाद 23 मार्च 1950 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए, आप लोगों से पूछा जा सकता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित निम्न में से कौन सा देश है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे अच्छा कौन सा शहर है, कौन सा देश है। तो अगर हम लोग सबसे प्रदूषित देश की बात करेंगे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बांग्लादेश, वो सबसे ही ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को जानेंगे। बांग्लादेश दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों यानी कि पॉल्यूटेड सिटीज़ में पहले पायदान पर है, यह दावा विश्व संगठन यह जो हमारा यह सर्वे किया गया है IQAS सर्वे, उसके द्वारा ये सामने आया। यह नतीजा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मानकों के 117 देशों के 6,745 शहरों में किए गए सर्वे से सामने आया है। अप्रोक्स हम मान लें कि 6,000 शहरों में और 117 देशों में बांग्लादेश की कंडीशन जो है वो कितनी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, और इसके बाद ही जानेंगे कि बांग्लादेश में प्रदूषण उससे 15 गुना ज़्यादा फैले हैं। प्रदूषण की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी अदर कंट्री हो, जो पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है व्हीकल्स यानी कि वाहन, ईंट भट्टे, कारखानों से निकलने वाला धुआँ और फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं, ये सब पॉल्यूशन की बहुत बड़ी वजह होती है।
इसी के साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। केंद्र सरकार के अनुसार भगौड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से अब तक कितने करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है? तो इन लोगों के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा, और किसी के बारे में ना सुना हो तो विजय माल्या के बारे में तो 100% सुना होगा, किंगफिशर आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो अभी तक इनसे कितने करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है? तो वैसे तो आपको प्रॉपर एक अंदाज़ा मिल जाएगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है, इन तीनों से लगभग 19,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो जब्त की गई है। वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने बताया है कि तीन भगोड़े ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी कंपनियों के जरिए से पैसे की हेरा फेरी करके धोखा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ज देने वाले कुल अप्रोक्स अंदाज़ा लेंगे तो 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, और अब इन लोगों से जो संपत्ति है वो जब्त कराई गई है, तो अच्छी बात है अपने आप में। इन लोगों ने काफ़ी, कोई भी चीज़ जो चोरी है या आप किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं तो वो गलत है, चाहे आप किसी भी फील्ड में रह के करें, और जो गलत है वो गलत है। मैटर नहीं करता है कि आप कौन हैं, क्या हैं, कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं, गलती सबके लिए गलती होती है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हाल ही में 19वीं एशियाई 100 UPI बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने अपना 8वां खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। ठीक है, यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप, बिलियर्ड्स आप सभी लोगों को पता है गेम होता है एक तरीके का। ठीक है, तो उसमें 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप में अपना 8वां खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। और हाल ही में धर्म जीवन गाथा पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? पुस्तकें जरूर पूछी जाती हैं, पुस्तकें जरूर 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 पूछी जाती हैं। ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये आप सभी को मुजवानी याद होगी, इसीलिए ये अब नहीं पूछी जा रही। मोदी द्वारा रचित है या किसी भी अन्य बड़ी हस्ती द्वारा कोई अगर पुस्तक लिखी जा रही है, वो पब्लिश हो रही है, तो वो आपसे करंट अफेयर में या आपके किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में पूछा जाता है। हाल ही में धर्म जीवन गाथा पुस्तक का विमोचन अगर जानेंगे तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, तो ये है बच्चों आज के हमारे करंट अफेयर। उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास पसंद आई है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आपके लाइक करने से YouTube हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इसी के साथ अगर आपका अपना कोई भी टॉपिक है वीडियो के लिए, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है वीडियो के पर्सपेक्टिव में, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके हर कमेंट को मैं खुद पर्सनली पढ़ती हूँ। ठीक है, और इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद। और जहाँ तक की बात UP SSC PCS की है, जो फॉर्म आ गए हैं उसकी लास्ट डेट जो है वो 12 अप्रैल है, तो उसके लिए भी जल्दी शॉर्ट वीडियो एक बना देंगे जिसमें आपको उसका फुल सिलेबस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ऑलराइट, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश करेंगे वो वीडियो आज शाम तक ही आप लोगों के लिए अपलोड करवा दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।